हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर टेक्सार्ज यूट्यूब चैनल। हियर वी शेयर फाइनेंशियल, लीगल एंड सेक्रेटेरियल अपडेट थ्रू आवर वीडियोस। एंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीएसआर रजिस्ट्रेशन की। सीएसआर रजिस्ट्रेशन जो है वो एनजीओस को फाइल करना होता है बिफोर टेकिंग एनी सीएसआर एक्टिविटीज़ और फंडिंग फ्रॉम कॉरपोरेट्स एंड कंपनीज। सीएसआर रजिस्ट्रेशन, सीएसआर होता है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस कॉन्सेप्ट का बेसिकली मतलब होता है कि अगर कंपनी अपने सराउंडिंग यानी सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज़ करके अगर अपना एक्सपेंशन कर रही है या प्रॉफिट कमा रही है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जिस सोसाइटी के वो रिसोर्सेज को यूज़ कर रही है, जो भी सब कुछ ले रही है, उसके लिए भी वो कुछ करे। तो इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका अलग से एप्लीकेबिलिटी क्राइटेरिया होता है, जिसमें आपकी नेटवर्थ, टर्नओवर और पेड अप शेयर कैपिटल के अकॉर्डिंग आपका इस पर एप्लीकेबिलिटी होती है कि आपको 2% ऑफ नेट प्रॉफिट जो भी आपका इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में होता है, उसका आपको सीएसआर के अंडर आपको एक्सपेंडिचर करना होता है। इसका आपका हो सकता है कि आप अपनी ही कंपनी की कोई रजिस्टर्ड ट्रस्ट या सेक्शन 8 कंपनी ये बना के इसके थ्रू कर सकते हो, या फिर आप किसी और एनजीओ जो पहले से काम कर रहा है इसके लिए, उसको अप्रोच करके उसको आप फंडिंग दे सकते हो और वो आपके बिहाफ पे सीएसआर एक्टिविटीज़ कर सकता है। इसकी एप्लीकेबिलिटी होती है आपका नेट प्रॉफिट के बेसिस पे, टर्नओवर और नेटवर्थ। अब अगर आपका नेट प्रॉफिट जो है वो ग्रेटर और मोर देन, मतलब इक्वल और मोर देन 5 करोड़ है, या आपके टर्नओवर जो है वो 1000 करोड़ से एक्सीड कर रही है, या आपकी नेटवर्थ 500 करोड़ से एक्सीड कर रही है, तो आप पे सीएसआर एप्लीकेबल होता है और आपको अपना 2% ऑफ नेट प्रॉफिट ये आपको सीएसआर में एक्सपेंडिचर करना होता है सोसाइटी के लिए। मतलब आपको एक्सपेंस करना होता है अपना सीएसआर की। इसकी अलग से कमेटी बनती है अगर एप्लीकेबल होता है। और जैसा कि अभी हमने बात करी थी कि किस किस वे में, मतलब यानी कि आप अपनी कंपनी का ही कोई रजिस्टर्ड ट्रस्ट या सेक्शन 8 कंपनी के थ्रू कर सकते हो, या आप किसी और एनजीओ को अप्रोच कर सकते हो, तो अभी वो बात करते हैं कि किस किस के थ्रू आप, किस किस एस्टेब्लिशमेंट के थ्रू आप सीएसआर अंडरटेक कर सकते हो सीएसआर एक्टिविटीज़। रजिस्टर्ड ट्रस्ट, सोसाइटी, सेक्शन 8 कंपनी, इनकॉर्पोरेटेड बाय कंपनी, बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, या बाय द एक्ट पास्ड इन पार्लियामेंट, या रजिस्टर्ड ऑन एमसीए हैविंग ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ 3 ईयर्स और मोर। तो इन चार एस्टेब्लिशमेंट्स के थ्रू आप अपनी सीएसआर एक्टिविटीज़ अंडरटेक कर सकते हो, या तो रजिस्टर्ड ट्रस्ट, सोसाइटी या सेक्शन 8 कंपनी, कंपनी ने ही अपना इनकॉर्पोरेट किया हो जिसपे सीएसआर एप्लीकेबल है, या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का कोई रजिस्टर्ड ट्रस्ट या सोसाइटी है जो कि सिमिलर एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है सोसाइटी के लिए, या फिर किसी एक्ट, मतलब स्पेशल एक्ट जो बनते हैं पार्लियामेंट में एक एस्टेब्लिशमेंट के लिए, उसके अंडर कोई ये रजिस्टर्ड ट्रस्ट, सोसाइटी या सेक्शन 8 कंपनी आती है, या फिर जो इंडिपेंडेंट एनजीओज होते हैं उसके थ्रू भी आप ये कर सकते हो। लेकिन उसका मैंडेटरी है कि लास्ट 3 इयर्स का जो है वो ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए अंडरटेकिंग सिमिलर एक्टिविटीज़ जो कि आप करना चाहते हो, जो आप प्रपोज कर रहे हो, वो आपका लास्ट 3 इयर्स का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाता है। अगर ये एप्लीकेबिलिटी जो भी कोई भी एस्टेब्लिशमेंट फुलफ़िल कर सकती है, कर रही है, तो वो आपका सीएसआर फंडिंग ले सकती है और सीएसआर एक्टिविटीज़ को अंडरटेक कर सकती है। अब ये करने से पहले, किसी भी कॉरपोरेट से सीएसआर फंडिंग लेने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, जिसको हम बोलते हैं सीएसआर रजिस्ट्रेशन। ये आपका सीएसआर 1 इसका फॉर्म जाता है रजिस्ट्रेशन के लिए।
बेसिकली आज हम उसी की बात करने वाले हैं कि CSR वन कैसे होता है, उसमें क्या कंटेंट होता है, और ये थी एप्लीकेबिलिटी कि आप किस किस एस्टेब्लिशमेंट पे ये एप्लीकेबल होता है, कब आपको करना होता है। बिफोर अंडरटेकिंग एनी कॉरपोरेट फंडिंग और CSR एक्टिविटीज़ आपको ये करना होता है रजिस्ट्रेशन। अब हम देखते हैं कि CSR वन के कंटेंट्स क्या क्या होते हैं। कंटेंट्स में आपका सबसे पहले होता है नेचर ऑफ NGO, इसका पैन, ईमेल ID एंड एड्रेस, डिटेल्स ऑफ मेंबर्स, सेक्रेटरी या ट्रस्टी, इन सब की डिटेल्स। फिर आपका होता है CIN और रजिस्ट्रेशन नंबर, जिसके थ्रू आपकी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो MCA पे रजिस्टर्ड है। लास्ट आपका होता है स्टेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। ये बेसिकली आपका कंटेंट रहता है CSR वन फॉर्म का। अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं CSR वन फाइल करने के लिए। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड में एक तो जो हमने पहले डिटेल्स डिस्कस करी थी वही, आपका पैन, एड्रेस एंड ईमेल ID, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, 12A एंड 80G की ऑर्डर की कॉपी, ये आपको इनकम टैक्स से मिलती है। नेक्स्ट आपका NGO दर्पण ID, फिर इसके बाद आपका डिटेल्स ऑफ मेंबर्स, ट्रस्टीज और सेक्रेटरी, इसके बाद आपका जाता है ऑथराइज सिग्नेटरी का पैन और उसके सिग्नेचर, और बाकी आपका जाता है इसमें CSR पॉलिसी, CSR रिपोर्ट, और अगर आपकी कोई सब्सिडरी कंपनी या कोई अदर एंटिटी है जो आपके अंडर काम कर रही है, आपके थ्रू काम कर रही है, तो उसकी डिटेल्स आपको नीडेड होती है ये फॉर्म फाइल करने से पहले। नेक्स्ट होता है इसका प्रोसीजर क्या है। तो पहले आपको CSR वन प्रिपेयर करना होता है जो फॉर्म है, उसके बाद कोई भी प्रोफेशनल, प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल इसको वेरीफाई करता है। प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल में आपका आता है CA, CMA और CS, इस फॉर्म को वेरीफाई करेगा। उसके बाद आप इसको रजिस्ट्रार को सबमिट करोगे, देन रजिस्ट्रार आपको इसको फॉर्म को चेक करके आपको अप्रूवल देगा और एक रजिस्ट्रेशन नंबर देता है, CSR रजिस्ट्रेशन नंबर, जो आपका लाइफ टाइम के लिए वैलिड होता है। इस रजिस्ट्रेशन नंबर के आने के बाद आप किसी भी कॉरपोरेट से CSR एक्टिविटीज़ अंडरटेक करने के लिए फ़ंड ले सकते हो और उनकी CSR एक्टिविटीज़ कर सकते हो। तो ये था पूरा प्रोसेस CSR रजिस्ट्रेशन का, जिसमें हमने बात करी कि इसका प्रोसेस क्या था, एप्लीकेबिलिटी क्या थी, कौन सी एस्टेब्लिशमेंट यानी कि सेक्शन 8 कंपनी, ट्रस्ट या सोसाइटीज़ जो है CSR एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकती है। कॉरपोरेट फंडिंग लेने से पहले उनको ये रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी होता है MCA को, रजिस्ट्रार को आपको फॉर्म फाइल करना होता है CSR वन। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ एंड आई होप यू हैव लाइक द वीडियो। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल टू स्टे अपडेटेड फॉर द कमिंग वीडियोज़। थैंक यू।